ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो इसके अब हम पीस कट कर लेंगे। तो हमने काजू जिस दिधर से लगाया उसी साइड से हम कट करेंगे। देखिए ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी देखिए बन भी गई है। ये देखिए ये मखाने की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनाने में, बहुत आसानी से बन भी गई है। तो आप इसे व्रत में भी खा सकती हैं, आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाने की बर्फ़ी। तो उसके लिए देखिए ये हमने 100 ग्राम मखाना लिया है और ये एक कटोरी हमने ये 4 चम्मच हमने बड़ी चम्मच से ये नारियल का पाउडर लिया। तो ये सूखा नारियल है जिसको हमने ऊपर उसका छिलका निकाल करके हमने इसको पीस लिया मिक्सी में। आप चाहें तो डेसिकेट कोकोनट भी ले सकती हैं, नारियल का बुरादा जो रेडीमेड आता है। और ये एक कटोरी हमने चीनी ली है, ये एक कटोरी थोड़ा सा कम हमने ये खरबूजे के बीज हैं जिनको हमने पीस लिए हैं। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर भी की है कि हम खरबूज के बीज को कैसे साफ़ करके उसका पाउडर बना सकते हैं। और एक कटोरी ये हमने देसी घी लिया है और ये इलायची पाउडर लिया है। तो देखिए कढ़ाई में हम ये 2 चम्मच के करीब घी ले रहे हैं, तो घी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लें। तो मखाना हम जब तक क्रंची नहीं हो रहा तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। ये देखिए ये मखाना अच्छे से क्रंची हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए हाथ से हम लेकर के तोड़ रहे थे, देखिए आसानी से तोड़ जा रहे हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे पहले। तो उसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच देसी घी और लिया है, तो इसमें हम ये थोड़े से काजू भून लेंगे। तो इनको हम बताना भूल गए थे, तो हम इस काजू भूने। आप चाहो तो इसमें बादाम या पिस्ता कुछ भी ले सकती हैं। देखिए काजू भून गए, इनको हम निकाल लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, क्योंकि अभी थोड़ी टाइम में और थोड़ा गोल्डन हो जाएंगे। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये देखिए काजू हमने निकाल लिए हैं। तो इसी घी में हम ये जो हमने ये खरबूज का पाउडर लिया था खरबूज के बीज का, तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे घी में, हल्के फ्लेम पे भूनेंगे। नारियल हम नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने सूखा नारियल लिया था। तो देखिए अच्छे से भून गया है, तो इसमें अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए मखाना अच्छे से ठंडे हो गए, तो इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो जब तक हम इसका पाउडर तैयार करें तब तक हम अपनी चाशनी चढ़ा दे रहे हैं ताकि चाशनी भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी में हम 1/2 कटोरी पानी डाल करके इसको हम चाशनी तैयार कर ले रहे हैं। ये देखिए इधर चाशनी भी तैयार हो रही है और उसको हमने पीस लिया। तो चाशनी हमें 1 तार की बनानी है। तो अभी जब तक चाशनी बन रही तब तक हमने ये जो इसका मखाने का हमने ये पाउडर अच्छे से तैयार कर लिया है। तो इसमें हम सब मिक्स कर दे रहे हैं। ये खरबूज के बीज जो हमने पीस के इसका पाउडर तैयार किया था, तो इसको तैयार इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये हमने नारियल का बुरादा और ये इलायची पाउडर, तो सबको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं इसी में। ये देखिए चाशनी तैयार हो गई है। तो देखिए हम इसको दिखा रहे हैं इस टाइप से। ये देखिए ये तार बन रहा है, तो हमें इसी टाइप की चाशनी चाहिए। तो इसमें हम ये धीरे धीरे पाउडर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, एक बार की नहीं डालेंगे हम। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स हो गया ये। इसको हम 2 से 3 मिनट और भून लेंगे ताकि अच्छे से जमने को पे आ जाए। ये देखिए अच्छे से जमने को पे आ गया, एकदम कढ़ाई छोड़ भी रहा है ये। तब हम इसको एक थाली में जमाएंगे। ये देखिए हमने इसे थाली में निकाल लिया है और इसको हमने थाली को पहले से घी से ग्रीस कर रखा था, तो इसको हम अच्छे से फैला दे रहे हैं। ये देखिए अच्छे से यह सेट हो गई है। तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख दे रहे हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीस कट करेंगे। तो आप इसके ऊपर चाहें तो काजू बादाम पिस्ता कुछ भी लगा सकती हैं। तो मैंने इसके लिए काजू को रोस्ट करके रखा है, तो हम एक एक करके काजू इस टाइप से लगा दे रहे हैं। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है। तो इसके अब हम पीस कट कर लेंगे। तो हमने काजू जिस दिधर से लगाया उसी टाइप साइड से हम कट करेंगे। देखिए ये मखाने की बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनाने में, बहुत आसानी से बन भी गई है। तो आप इसे व्रत में भी खा सकती हैं, आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगी।